जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी सिंधी की टीचर मिस सकीना, जो आपको पढ़ाती है सिंधी। त कीअं आहियो तव्हां प्यारा भरो? उमीद थी कयां कि तव्हां सभु ठीकु हूंदो ऐं खैरियत सां हूंदो। अस्सलाम वालेकुम प्यारा भरो, कीअं आहियो तव्हां सभु। मां आहियां तव्हांजी सिंधी जी टीचर मिस सकीना, जेका तव्हांखे पढ़ाईंदी आहे सिंधी। त कीअं आहियो प्यारा ॿार, तव्हां सभु ठीकु हूंदव ऐं ख़ैरियत सां हूंदव। उमेद थी कयां त क्लास जुमे जो ॾींहुं ऐं छंछर जो ॾींहुं तव्हां घर में तमामु सुठे तरीक़े सां मज़े सां गुज़ारींदा हूंदव ऐं क्लास बि सुठे तरीक़े सां अटेंड कंदा हूंदव। त मूंखे तव्हांजे रिप्लाई मां सही सां ख़बर पइजी वेंदी आहे कि तव्हां केतिरे हद ताईं स्टडी करे रहिया आहियो। वालेकुम असलाम सुहेमा। उष्णा, वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हैं आप सब। तो अब जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो है रिवीजन भी स्टार्ट हो चुका है। जैसे हमारा स्कूल में होता है, वैसे आपका घर में भी ऑनलाइन भी हो रहा है। स्कूल और घर में कोई फर्क ही नहीं है, तो स्कूल में भी वैसी स्टडी होती है जैसे आपके घर में हो रही है। ठीक है, तो अब जिस तरीके से मैं आपको क्लास दे रही हूँ, समझा रही हूँ, सिखा रही हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से आप फोकस कीजिएगा। इसी से रिलेटेड मैं आपसे सवाल भी करूँगी। और अब हमारा चैप्टर जो है शुरू हो चुके हैं, हम रिवीजन की तरफ आ चुके हैं। रिवीजन हमारा जिस तरीके से स्कूल में होता है, वैसे ही हमारा हफ्ता जुम्मा और हफ्ता ऑनलाइन होगा। ठीक है, तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो आप सबको पता होगा कि कौन सा है। बिल्कुल अयादा होगा, और अयादा में हमारा जो लेक्चर है वो है, अब हमारा अयादा हो रहा है, और अयादा में हमारा लेक्चर जो है वो है खुदा जी वडाई। सबक पहरियों खुदा जी वडाई। ठीक है, अब खुदा जी वडाई, खुदा जी वडाई मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि किस तरीके से इसकी मीनिंग क्या है। जी, खुदा जी वडाई की मीनिंग क्या है, कोई बता सकेगा? खुदा जी वडाई की मीनिंग क्या है? अल्लाह की तारीफ। वेरी गुड, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की बढ़ाई, अल्लाह की अजमत। वेरी गुड उष्णा। तो उसना आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, अच्छे तरीके से आपने, बहुत ज्यादा कंसंट्रेट कर रही हैं। वैसे सब माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कंसंट्रेट कर रहे हैं। अब मैं दोबारा से इसको, इस नज़म को आपको जो है समझा रही हूँ। तो प्लीज अपनी बुक ओपन कर लीजिए। बुक में है आपका सबक पहरियों। वैसे तो ये नज़म है, हम सबक पहरियों से ही शुरू करेंगे। पहला जो है आप सबको पता है, हम सबको पता है, पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से शुरू करते हैं और अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। कोई भी काम लेते हैं अल्लाह का नाम लेकर ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए। बुक ओपन करेंगे, उसमें है सबक पहरियों खुदा जी बढ़ाई, अल्लाह की बढ़ाई, अल्लाह की शान, अल्लाह की असमत। ठीक है, तो अल्लाह की असमत में जो है हमारे पास जो नज़म है वो है सब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबक पहरियों खुदा जी वडाई, अल्लाह की बड़ाई। नज़म अव्वल, अल्लाह अलीम। पहले अल्लाह का नाम लेते हैं जो सब जानने वाला है। पहले अल्लाह का नाम लेते हैं जो सब जानने वाला है, पूरी दुनिया का इल्म रखने वाला है, पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला है। अलीम, जानने वाला। आला आलम जो धनी, पूरी कायनात आलिम के मालिक। धनी मालिक, अल्लाह ताला पूरी कायनात का मालिक है। क्या है मीनिंग? अवल अल्लाह अलीम, पहले अल्लाह का नाम लेते हैं जो पूरी दुनिया कायनात का खालिक और मालिक है और सबको जानने वाला है, पूरा इल्म जानने वाला है। ठीक है, आला आलम जो धनी, पूरी कायनात का मालिक है।
पूरे जहान का मालिक है, दोनों जहान का मालिक है। उनके बगैर इजाजत कोई पत्ता भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता, कोई कोई चीज भी उनके उसके हुक्म के बगैर नहीं हिल सकती। कादिर पंजे कुदरत सी, वो अपनी शान से, अपनी कुदरत से, अपनी ताकत से कायम आहे कदीम, हमेशा कायम रहने वाला है, हमेशा कायम रहने वाला है। कादिर पंहिंजे कुदरत सीं, वो अपनी कुदरत से, अपनी शान से, अपनी उसमें ताकत से हमेशा कायम रहने वाला है। कायम आहे कदीम, हमेशा कायम रहने वाला है। कदीम हमेशा, वैसे कदीम के मायने पुराने भी होती है। कायम रहने वाला, कदीम कायम रहने वाला, हमेशा कायम रहने वाला है। वाली, वाली वाहिद वहदहु, राजिक रब रहीम। वाली वाहिद, वो मालिक है, किसका मालिक है? वाहिद, दुनिया का मालिक है, अकेला वाहिद है। वाहिद वहदहु राजिक रब रहीम, वो पूरी दुनिया का मालिक है और वाहिद अल्लाह ही मालिक है। एक अल्लाह है हमारा, हमारा अल्लाह है जो पूरी दुनिया का मालिक है। राजिक रब रहीम, और सबको रिस्क पहुंचाने वाला है, सबको रिस्क पहुंचाने वाला है। वाली वाहिद, वाली मालिक है, अल्लाह है। वाली सरबरा, मालिक, हुकूमत करने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। वाहिद, एक अल्लाह ही है। वाली वाहिद वादहु, वादहु उसका कोई शरीक नहीं है। वाली वाहिद वादहु राजिक रब रहीम, अल्लाह अकेला है, वो पूरी दुनिया का मालिक है और पूरी दुनिया को रिस्क पहुंचाने वाला है। वो रहीम है, करीम है, उसका कोई भी सानी नहीं है, उसका कोई भी शरीक नहीं है, वो पूरी दुनिया का मालिक है। सो सारा सच्चो धनी, वो ही है जिसकी तारीफ की जाए, सच्चा मालिक, सच्चा अल्लाह, पूरी दुनिया पर कायम रहने वाला अल्लाह। चाहे हमद हकीम, करे पान करीम, करे पान करीम, जोड़ून जोड़ जहान जे, यानी कि वो दोनों जहान को जोड़ने वाला है। करे पान करीम, जोड़ून जोड़ जहान जे, वो दोनों जहानों का जोड़ने वाला है। इस जहान का भी मालिक है, अगले जहान का भी मालिक है। तो ये जो नज़म लिखी है, ये जो बैत लिखियो आहे, ही बैत लिखियो आहे शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्ला अलैह। त हिन बैत में शाह अब्दुल लतीफ भिटाई अल्लाह साईं जी वदाई बयान कई आहे, अल्लाह साईं जी शान बयान कई आहे, अल्लाह साईं जी यानी कि हिकमत बयान कई आहे, कि अल्लाह साईं अलीम आहे, सब कुछ ॼाण वारो आहे, सब जानने वाला है, ऐं पूरी काइनात जो मालिक आहे और पूरी काइनात का मालिक है। वो अपनी कुदरत से, अपनी शान से, पंहिंजी कुदरत सां, पंहिंजी शान सां, पंहिंजी ताकत सां हमेशा रहण वारो आहे, हमेशा रहने वाला है। कायम रहने, कायम आहे कदीम, हमेशा रहने वाला है। वाली वाहिद, वाली वाहिद वहदहु, अल्लाह मालिक है, अकेला है, वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं है, वो वहदहु है, ला शरीक लहू है। राजिक रब रहीम, वो सबको रिस्क पहुंचाता है, रिस्क
उन सबको रिस्क पहुंचाने वाला है। आज तक कोई भी खाली पेट नहीं सोया इस पूरी दुनिया में। अल्लाह ताला किसी न किसी तरीके से रिस्क पहुंचाता है, चाहे किसी भी जगह पर हो, लेकिन अल्लाह ताला ने वादा किया है कि मैं तुम लोगों को खिलाने वाला हूँ, तुम मुझसे मांग कर तो देखो। तो वाली वाहिद वाहदहु राज़िक रब रहीम, वो वाहिद है, वाहदहु है, उसका कोई शरीक नहीं है, पूरी दुनिया को रिस्क पहुंचाने वाला है, रोजी रसाने वाला है, पेट भरने वाला है। राज़िक रब रहीम रिस्क पहुंचाने वाला है, खाना खिलाने वाला है। सो सारा सच्चो धनी, वो ही उसी की तारीफ है, उसी की ही तारीफ है, वो है सच्चा मालिक, सच्चो धनी, यानी के हमेशा रहने वाला सच्चा मालिक। चाहे हमद हकीम इसमें है, चाहे हमद हकीम यानी के इसमें कहते हैं हमद हकीम कहते हैं, वैसे तो हर कोई कहता है, लेकिन ये नज़म जो लिखी शाह अब्दुल लतीफ बिटाई ने लिखी है। करे पान करीम यानी के अपने आप ही, यानी के वो सबको रिस्क पहुंचाता है। जोड़ून जोड़ जहान है, दोनों जहानों का मालिक है, जोड़ने वाला है, दोनों जहानों को जोड़ने वाला है। तो इस नज़म में बेटा शाह अब्दुल लतीफ बयान करते हैं, अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं कि तुम लोग अल्लाह के करीब होकर तो देखो, तुम अल्लाह के एक कदम आगे बढ़ाओगे अल्लाह ताला तुम्हारे आगे 10 कदम बढ़ाएगा। तुम अल्लाह के करीब सच्ची नियत से जाकर तो देखो। तो ये नज़म आपको कैसी लगी और समझ में आई? आपको समझ में सबको आ गई है? तो अब इसके जो है लफ्ज मायने भी मैं आपको समझा रही हूँ। लफ्ज मायने हैं लस मायने आलिम कायनात, जो का पंजी अपनी या अपने, सी से आहे है, वाली मालिक सरबरा सारा तारीफ, जी की जा के वडाई बढ़ाई। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से बयान किया गया है कि अल्लाह ताला ने किस तरह जो है सबको अपना अपने इबादत के लिए कहा है कि हम जिस तरीके से सजदा करते हैं, सजदे में जाकर और हाथ उठाकर अल्लाह ताला से अगर हम दुआ करेंगे, हम तो अल्लाह ताला ज़रूर सुनने वाला है। अगर कोई दुआ आपकी कबूल नहीं होती है तो वो अल्लाह के पास दर्ज है, लेकिन उसका वक्त अभी मुकर्रर नहीं है, आपके लिए वो बेहतर नहीं है। हम सब जानते हैं कि बस अल्लाह ताला जो है हमारी दुआ कबूल करे, लेकिन वो दुआ कबूल होती है, लेकिन अगर वो आपकी दुआ उस वक्त कबूल हो जाए तो इस तरीके से अल्लाह ताला कहता है कि इसका अभी वक्त मुकर्रर नहीं है, इनके लिए बेहतर नहीं है। बेहतर जिस वक्त आपके लिए बेहतरी होगी वो वक्त, वो दुआ आपकी जरूर कबूल हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है, अब यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं कुछ लफ्ज जुमले हैं। अलीम, अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है, अल्लाह साईं अलीम आहे, अलीम मतलब सब जानने वाला, सब कुछ जानने वाला। अल्लाह साईं सब कुछ जानण वारो आहे, जानने वाला है, जानण वारो आहे, अल्लाह साईं अलीम आहे, जानने वाला है, जानण वारो आहे। मीनिंग मैंने आपको बता दी है, जानने वाला है, जानण वारो आए। सब तारीफ अल्लाह की है, सारा तारीफ,
सब तारीफ अल्लाह की है, सब तारीफ अल्लाह जी आहे, सब सारा अल्लाह जी आहे, सजी दुनिया जी सारा अल्लाह जे लाए आहे, सिज सूरज सूरज को से रोशनी मिलती है, सिज मां रोशनी मिलंदी आहे, सूरज से रोशनी मिलती है, सिज सूरज बहुत गर्म होता है, सिज डाढो गर्म होंदो आहे, अल्लाह ताला असां के नेक कमन करण जी हिदायत अता फरमाए, आए असां के सभिनी सां जेको आहे सुठे तरीके सां हलण जी हिदायत अता फरमाए, अल्लाह साईं असां के गलत कमन खां जी खां परे रहे परे रखे, आमीन सुमा आमीन। अच्छा हाणे तव्हां मूंखे ॿुधायो के ही नज़म तव्हांखे केतिरी समुझ में आई, ऐं हिन नज़म में जी हिन नज़म में असांखे छा सभु नसीहत मिली आहे, इस नज़म में हमें क्या नसीहत मिली है जी, कौन बताएगा? जी मुझे चैट बॉक्स में बताइए। इस नज़म में अल्लाह ताला की क्या तारीफ बयान की गई थी, जो नज़म मैंने आपको बताई इसमें अल्लाह ताला की तारीफ क्या बयान की गई है, अल्लाह ताला की तारीफ किस तरीके से बयान की गई है? जी बेटा उर्दू में, नहीं उर्दू में नहीं सिंधी में, उष्णा आप सिंधी पढ़ रही हो उर्दू नहीं पढ़ रही हो? अच्छा है ना जी, एनी अदर स्टूडेंट? उष्णा आपने जवाब तो दिया है लेकिन इनकम्प्लीट है। इस नज़म में आपने क्या क्या समझा था? इस नज़म में आपने क्या क्या समझा था, जो मैंने एक एक लफ्ज़ की मीनिंग करके बताई और उसको अल्लाह ताला ने वो बयान किया है कि सब जानने वाला है, रिस्क पहुंचाने वाला है, तो वो किस तरीके से आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे कि इस नज़म में आपने क्या समझा, मुझे सिंधी में बता दीजिए। जी बेटा नज़म में असां के
गुड यूसेरा, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। गुड सुहेमा, वेरी गुड। वेरी गुड जी, बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया है आप लोगों ने और बहुत अच्छे तरीके से समझा हुआ है। अच्छा, इसमें जो है अलीम, अलीम का मतलब क्या है? अलीम का मतलब क्या है? जानने वाला, वेरी गुड। अच्छा, मैंने जुमले में आपको बताया था अलीम जो मतलब छा आए, अलीम सिंधी में जानने वाला, सिंधी में जानने वाले को क्या कहते हैं? जानने वाला, जी जानने वाला। अलीम तो वैसे लफ्ज है ना, लफ्ज अलीम है। जानण वारो, वेरी गुड इमानत ना, जानण वारो जी, अलीम जो मतलब है जानण वारो। ओके, हाणे मूंखे इहो ॿुधायो के अलीम जो मतलब जानण वारो आहे त हिन जुमिलो असां कीअं ठाहींदासीं? अलीम जो जुमिलो असां कीअं ठाहींदासीं? सिंधी में जुमिलो ठाहे ॾेखारियो, सिंधी में। वेरी गुड रिदा रानिया जहां, वेरी गुड। ओके, अच्छा अब मुझे बताइए कि अल्लाह ताला शाह साहब हिन बेत में अल्लाह ताला जूं कहिड़ियूं सिफतूं बयान कयूं आहिनि, कहिड़ी साराह कई आहे शाह साहब? ही नज़म कंहिंजी लिखियल आहे? ही बेत कंहिंजो लिखियल आहे? वेरी गुड, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई तमाम वॾो शायर हो। अच्छा, शाह साहब हिन बेत में अल्लाह साईं जी कहिड़ी तारीफ़ बयान कई आहे? शाह साहब हिन बेत में अल्लाह साईं जी कहिड़ी तारीफ़ बयान कई आहे? शाह साहब हिन बेत में अल्लाह साईं जी कहिड़ी तारीफ़ बयान कई आहे? ओके बेटा, अब मैंने दूसरा सवाल पूछा है, शाह साहब हिन बेत में अल्लाह साईं जी कहिड़ी तारीफ बयान कई है? शाह साहब ने इस नज़म में अल्लाह ताला की कौन कौन सी तारीफ बयान की है?
अल्लाह साईं जी वॾाई, अल्लाह साईं रहीम आहे, वेरी गुड। महद काशिफ, अल्लाह साईं रहीम आहे। अच्छा शाह बेटा, ही जेको आहे, ये जो है, इसमें शाह साहब ने अल्लाह ताला की बहुत ज्यादा तारीफें बयान की है, अनगिनत तारीफें बयान की है। सिर्फ एक तारीफ नहीं की है, आप एक एक तारीफ का जवाब दे रहे हैं। तो आप मुझे दीजिए, हर तारीफ किस तरीके से अल्लाह ताला ने तारीफ बयान की है शाह साहब ने इस नज़म में। जी युसेरा, वेरी गुड। अल्लाह ताला अलीम आए, अल्लाह ताला रहीम आए, अल्लाह ताला सब जान वारो आए, अल्लाह ताला करीम आए, अल्लाह ताला खालिक आए, मालिक आए। वेरी गुड युसेरा, वेरी गुड। जी गुड। देखें, युसेरा ने बिल्कुल डिटेल में जवाब दिया है और बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया है। तो काइंडली आप भी इसी तरीके से जवाब दें और सिंधी में जवाब दें, ठीक है? वेरी गुड। अल्लाह साईं रहीम आहे, अल्लाह आहे, खालिक आहे, मालिक आहे। वेरी गुड जी। अच्छा हाणे मूंखे ॿुधायो कि अब मुझे बताइए कि शाह साईं, शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई, अल्लाह साईं खे कहिड़नि नालनि सां सॾियो आहे? शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई ने अल्लाह ताला को किन किन नामों से पुकारा है? गुड। अच्छा एक एक लफ्ज मत बताइए ना, अगर कोई बच्चा जवाब दे रहा है तो जो नज़म में बताया गया है, समझाया गया है, उस तरीके से जवाब दीजिए कि अल्लाह शाह साहब ने अल्लाह ताला को किन किन नामों से पुकारा है। वेरी गुड ईमान अदनान, वेरी गुड। देखें अल्लाह ताला का के नाम किस तरीके से शाह अब्दुल लतीफ ने किन किन नामों से पुकारा था। ईमान अदनान ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, लेकिन ईमान अदनान ये पूरे जवाब दीजिए बेटा कि शाह साहब ने अल्लाह ताला को इन नामों से पुकारा है। इसको सिंधी में ट्रांसलेट कीजिए और फिर मुझे बताइए। युसेरा, यू ऑल्सो बेटा, सिर्फ अलीम, कलीम, राजिक, रहीम, मालिक, राजिक, इस तरीके से नहीं, पूरे जवाब दीजिए जिस तरीके से मैं आपको क्लास में समझाती हूँ। वन वर्ड आंसर जब आता है तो हम वन वर्ड आंसर तो नहीं लिखते बेटा, पूरा आंसर लिखते हैं ना जो आपके सवाल में है। हमदान बेटा, पूरा आंसर दीजिए, पूरा आंसर दीजिए। पुकारो आहे नहीं है, सदियो आहे रानिया, सदियो आहे, पुकारो नहीं है, सदियो आहे। जी बेटा आवाज आ रही है?
जी अब देखे यहाँ पर मैंने आपको क्या समझाया था, बताया था और किस तरीके से बोला था कि अल्लाह ताला ने, शाह साहब ने अल्लाह ताला को किन किन नामों से पुकारा है। मौजूद अलीम, आलिम, कादिर, वाहिद। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा जी। अच्छा, हिन में आए सारा। सारा जो मतलब छा आहे, सारा का मतलब क्या है? तारीफ। वेरी गुड, तारीफ। अच्छा, जोड़ून, जोड़ जो मतलब छा आए, जोड़ून, जोड़, जोड़ून, जोड़ जो मतलब छा आए, जोड़ून, जोड़ का मतलब क्या है? नहीं बेटा, दोनों जहां नहीं है। जोड़ून जोड़ का मतलब कुछ और है, थोड़ा सा फोकस कीजिए। दोनों जहानों का को जोड़ने वाला। वेरी गुड, दोनों जहानों को जोड़ने वाला। वेरी गुड, जोड़ून जोड़ का मतलब है दोनों जहानों का को जोड़ने वाला। किसने जोड़ी है दोनों जहानों को, किसने जोड़ा है? दोनों जहान का जोड़ने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। ये पूरी कायनात किसने बनाई है? अल्लाह ताला ने, अल्लाह साईं ठाई आहे जी। हिन जहान के कहीं जोड़ियो आहे, हिन जहान के कहीं जोड़ियो आहे। सजो जवाब दियो, पूरो जवाब दियो। सिर्फ अल्लाह ताला नहीं, हिन जहान के कहीं जोड़ियो आहे। आंसर बेटा मुकम्मल दिया करें। हिन जहान के अल्लाह साईं जोड़ियो आहे। वेरी गुड, हिन जहान के अल्लाह साईं जोड़ियो आहे। असा कंहिंजी इबादत कंदा आहियूं? असा। वेरी गुड सुहेमा, हाणे मूंखे आंसर ॿुधायो। असां कंहिंजी इबादत कंदा आहियूं? जी हदीका, अब मुझे बताइए, असां अल्लाह साईं जी इबादत कंदा आहियूं। वेरी गुड, असां अल्लाह साईं जी इबादत कंदा आहियूं। गुड बेटा जी। अच्छा, असां कंहिंजे अॻियां सजदो कंदा आहियूं? जी, असां कंहिंजे अॻियां सजदो कंदा आहियूं? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो गई है और समझ में आ गई है नज़म। अच्छा, अब मुझे बताइए, वाली जो मतलब छा आहे, वाली, वाली, वाली का मतलब क्या है? मालिक। वेरी गुड,
मालिक। अच्छा वाली जी, वाली जो जुमले में, वाली के जुमले में इस्तेमाल कयो। वेरी गुड, अल्लाह साईं असां जो वाली आहे ऐं मालिक आहे जी। अच्छा मूंखे हाणे ॿुधायो, कादिर, कादिर जो मतलब छा आहे? कादिर जो मतलब छा आहे? कादिर जो मतलब छा आहे? कुदरत रखने वाला, कुदरत रखने वाला। वेरी गुड। अल्लाह साईं, अल्लाह साईं देश रहंदो, अल्लाह साईं देश रहंदो। अब इसको देश को फिल करें, अल्लाह साईं देश रहंदो। हमेशा रहंदो। वेरी गुड। अल्लाह साईं हमेशा रहंदो। अल्लाह साईं हर हंध देश आहे। अल्लाह साईं हर हंध देश आहे। अल्लाह साईं हर हंध देश आहे। हाजिर आहे। वेरी गुड। मौजूद आहे, हर हंध मौजूद आहे। अल्लाह साईं, वेरी गुड, मौजूद नहीं है बेटा रानिया, मौजूद, मौजूद जी, मौजूद आहे। तो बेटा आपको बहुत अच्छे तरीके से नज़म समझ में आ गई, मुझे आपने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिए। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अपनी टीचर मिस सकीना को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। Six.